नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए और बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको हम लोग जड़ से समाप्त कर देंगे। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब आपको जो है मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि मिरर इमेज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप सबके बनते हैं तो आज इनको हम लोग करेंगे। और कैसे कैसे मिरर इमेज बनता है थोड़ा सा पहले उसकी हम लोग बातचीत करेंगे और इसके बाद एक एक करके हम लोग इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो चलिए सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के इस सेशन के लिए जितने बच्चे जुड़ चुके हैं तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ। और आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। और आप सबको मैंने दोपहर में बताया था कि आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा और इस समय जो टारगेट है अटेंडम में कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आऊंगा और रोज नया आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, एक आपको अट्रैक्शन मिलेगा और न्यू महसूस होगा जिससे आपको जो है इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने पर। तो मैं आपको बताने नहीं वाला कि अगला टॉपिक क्या होगा, तो आपके सामने अटेंडम में आएगा, उसको देखिएगा और उसको सेशन को एंजॉय करिएगा। तो सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जितने बच्चे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज की सेशन की मिरर इमेज की। आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मिरर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब है तो थोड़ा सा के बारे में बात करते हैं कि मिरर इमेज क्या होता है। उसको समझने के बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ कांसेप्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट है उसको आपको समझना है और उसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्नों की ओर आगे मूव ऑन करेंगे। तो दोस्तों प्रश्नों में चलने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर कोई आकृति होगी और अगर हमको उसका मिरर बनाना होगा तो कैसे मिरर बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मिरर बनता है वो बाएं से दाएं का बनता है। कैसा बनता है? बाएं से दाएं का, मतलब बाएं की जो वस्तु होती है वो राइट में दिखने लगती है, बस इतना अंतर आता है। तो कैसे लेकर चलेंगे थोड़ा सा उसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहां पर आपको ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है। अभी थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट का, इसके बाद मैं प्रश्नों को लेकर चलूंगा। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है और यहां पर एक सर्कल है और यहां पर एक त्रिभुज की आकृति है। और मैं कहूंगा कि अगर ये आकृति आपको, अगर इसका हमें मिरर बनाना हो तो कैसा मिरर बनेगा। मान लो इस प्रकार से आपके सामने एक मिरर रख दिया जाए यहां पर और यहां पर एम आर रख दिया जाए, तो एम आर का मतलब होता है मिरर रख दिया जाए, तो इस आकृति का जो मिरर बनेगा क्या बनेगा, कैसा दिखेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझना है। तो देखो मैं आपको इससे पहले भी क्लास में बताता रहा हूं कि इसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो आकृति मिरर के नजदीक है वो मिरर के नजदीक ही बनती है। जैसे ये जो आकृति लेफ्ट में जो चीज है वो राइट में चली जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। तो जैसे दोस्तों ये आकृति, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज को अगर ध्यान से देखें तो ये मिरर के क्या है, नजदीक है, तो इसको मिरर में बनाएंगे तो ये मिरर के नजदीक ही बनेगा और त्रिभुज के प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर त्रिभुज है तो अगर वो त्रिभुज है तो शीशे में भी दर्पण में भी आपका त्रिभुज ही नजर आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता अगर आप उसका मिरर बनाते हो। और अगर इसकी बात करें, अगर सर्कल की वृत्त की बात करें तो बताओ इसका भी कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा, ये आपका वैसे ही नजर आएगा। और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस अंतर क्या आया कि ये आकृति मिरर के नजदीक है तो नजदीक बनेगी। ये नहीं कि आपको त्रिभुज को इस साइड लेकर चले जाओ तो वहां से प्रश्न आपका गलत होता है, ये नजदीक आकृति है तो नजदीक बनेगी, ये बीच में है तो में जाएगी, सबसे लेफ्ट में तो सबसे राइट में चली जाएगी। मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट में बात जो होता है, जो लेफ्ट में होता है वो किधर चला जाता है, वो राइट में चला जाता है, बस इतना आपको चेंजेस देखना होगा। तो लेफ्ट में जो वस्तु होगी वो मिरर में कैसे दिखने लगती है, राइट में दिखने लगती है, बस इसको आपको इतना समझना है और बाकी ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि जितने बच्चे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं मैं सभी को देख पा रहा हूं, सभी को भैया एक बार गुड आफ्टरनून। सेशन स्टार्ट हो चुका है, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने प्रयास कर रहा था और जैसे ये कांसेप्ट आपको मैं बताऊंगा मैं सीधे प्रश्नों की ओर आपको मूव ऑन करा दूंगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे कैसे इन प्रश्नों को हमें जो है सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इतनी बात हमने समझ लिया, जैसे मान लीजिए और मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूं कि यहां पर और क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आकृति है, मान लीजिए यहां पर एक मिरर रखा हुआ है और इस प्रकार से मान लीजिए अगर एक आकृति ऐसे बनी हुई है तो अगर हम इसको मिरर में दर्पण में देखेंगे तो ये जाकर क्या करेगी, परिवर्तित होगी। जो देखो ये वाला जो कोना है मिरर से क्या है, दूर है, तो ये वाला कोना मिरर से क्या जाएगा, दूर जाएगा। कुछ ऐसे आकृति आपकी बनती हुई नजर आएगी, बस आपको देखो ये इधर इधर साइड है तो ये इस साइड चला जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आकृति मिरर से दूर है, अगर ये कोना इस साइड है तो इस साइड जाएगा और ये कोना लेफ्ट में है तो किधर चला जाएगा, राइट में। बस छोटे छोटे पॉइंटों को हमें क्या करना होता है, पकड़ना होता है। जैसे मान लीजिए एक बात की अगर और बात करें,
ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था त्रिभुज, त्रिभुज में कोई चेंजेस नहीं होता, ये बात आप सबको अच्छे से पता है। अगर त्रिभुज में मैं एक यहां पर इस प्रकार से एक फ्लैग लगा दूं, मान लो त्रिभुज के ऊपर एक फ्लैग लगा है और इसका अगर मिरर इमेज हमको बनाना पड़ेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, तो पहले आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये जो लाइन खींची हुई है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। लेकिन जो फ्लैग है, ये फ्लैग किधर है, इस साइड है, तो मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ ही बनता हुआ नजर आएगा। बस आपको इतना सा ध्यान देना है, तो कुछ इस प्रकार से, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, बस इतना आपको जो है ध्यान देना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने इसको समझ लिया, इस पॉइंट को और कॉन्सेप्ट को, तो इसी के आधार पर हमको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। और इसमें लेटर की अगर बात करें तो बहुत से लेटर होते हैं जो मिरर में चेंज नहीं होते हैं, तो कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, तो जैसे ए की बात करें, तो अगर ए मान लो कुछ आपका इस प्रकार से बनता है, अगर ए को हम मिरर में बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन बी चेंज होगा। इसके बाद एच को अगर देखेंगे तो में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके बाद आई को देखेंगे तो आई में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ये बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा। इसके बाद आपके सामने एम आएगा तो एम में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, एम का भी मिरर वही बनेगा जो इसमें बनता है। एम के बाद आएगा एन, एन बदलेगा, एन के बाद क्या आएगा ओ, ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओ जैसा है वैसा ही आपको दिखने वाला है, तो ओ में भी कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे ए में, एच में, आई में, एम में, ओ में, पी में चेंजेस होगा, क्यू में होगा, आर में होगा, एस में होगा, लेकिन टी में कोई चेंजेस नहीं होगा, टी जैसा है मिरर में वैसा ही नजर आएगा। टी के बाद बात करें तो यहां पर यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यू जैसा है आपको वैसा ही नजर आएगा, यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, वी में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसकी प्रकार डब्ल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसी प्रकार एक्स में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर वाई की बात करें तो वाई आपका दो तरीके से बनता है, अगर इस प्रकार से वाई बनाए तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से वाई बनाते हैं तो इसमें चेंजेस हो जाता है, यह बात आपको जो है ध्यान देना है। तो यहां पर कभी कभी ओरली प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि कितने अक्षर है जिनका मिरर नहीं चेंज होता है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनका मिरर क्या करता है, चेंज नहीं होता। वो जैसे वास्तविक रूप में अक्षर होते हैं तो मिरर में भी वैसे ही क्या करते हैं, नजर आते हैं, और बाकी जितने भी अक्षर होंगे चेंज होगा। जैसे बी की बात करें तो बी का अगर हमको मिरर बनाना है तो बी चेंज होकर कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी की बात करें तो सी चेंज होकर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और बाकी सब में चेंजेस आएगा, लेकिन इन लेटर्स में कोई प्रॉब्लम या चेंजेज नहीं आती है। तो बस इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को आपको क्या करना है, दिमाग में लेकर चलना होता है। अगर ये सब बातें समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसको समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबके सामने प्रश्नों को लेकर आता हूं, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके प्रश्न लेकर आता हूं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, चाहे जीडी के एग्जाम में बैठिए, चाहे सीजीएल के एग्जाम में बैठिए, चाहे यूपीपी के एग्जाम में बैठिए, एक प्रश्न मिरर इमेज या वाटर इमेज में से किसी एक का आता है। तो आज मैं आपको मिरर इमेज का टारगेट लेकर आया हूं, तो मिरर इमेज ही आप सबको पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान देना। तो आज इसको जड़ से समाप्त करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ हमको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करना है। मैं प्रैक्टिस भी यहां पर करा दूंगा, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, जितना कुछ होता मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे, अलग अलग प्रकार के डायग्राम आपके सामने आएंगे, बस उन डायग्राम्स को ध्यान से देखना है और समझना है कि उसका मिरर क्या बनने वाला है, तो ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। सर प्लीज क्या हो गया, केपी बोल रहे क्या हो गया, बताइए जल्दी से। तो यह हो गया हमारा प्रश्न, इसको ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, तो प्रश्नों की ओर अगर ध्यान से देखें, कह रहे हैं कि सर साइड सर थोड़ा सा लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए बढ़िया, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप लोग कमेंट में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा, अब चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको हमने देख लिया कौन कौन सा लेटर चेंज नहीं होता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्नों में चलने से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि जो हिंदी की बुक आप सबके सामने आती है, तो ये नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की बुक आप सबको प्रोवाइड की गई है, ये आपकी मार्केट में आपके जो है ऑनलाइन सेंटर पे अवेलेबल है। अगर आपको हिंदी किताब नितिन सर की पढ़नी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखिए और बताइए किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि मिरर हमारा किस रूप में रखा है, मिरर लेफ्ट साइड रखा है या राइट साइड रखा है, पहले इन बातों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मिरर आपका इस साइड रखा है, तो जब मिरर इस साइड रखा है तो यह ऐसे चेंज होगा। अब आपको ध्यान से इसमें देख के बताना है कि ए वाला बनेगा, बी वाला बनेगा, सी वाला बनेगा या डी वाला बनेगा। आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक बात आप सबको बताई थी कि जो आकृति मिरर के नजदीक है वो नजदीक बनेगी और जो दूर है वो दूर बनेगी, तो आपको उसी कांसेप्ट का पालन करना है। तो सभी बच्चों ने आंसर्स देना शुरू कर दिया, मैं आंसर्स आप सबके देख पा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे इसका मान लो एक आपका इस प्रकार का बना हुआ है, तो मान लो जब इसका मुख है, ये मुख किधर है, इससे मिरर से दूर है तो जाकर दूर ही बनेगा, तो ये आकृति तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ये आकृति बिल्कुल नहीं, ये आकृति बिल्कुल नहीं, तो कौन सा बनेगा, डी वाला। आपको ये ध्यान देना है कि ये मिरर से दूर है तो इधर जाकर दूर साइड ही बनेगा, और ये मिरर के नजदीक ये वाला कौन है तो मिरर के क्या बनेगा, नजदीक है तो मिरर के नजदीक ही बनेगा, तो इस साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर एब्सोल्युटली सही और राइट हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आया। तो एक छोटे से कांसेप्ट का पालन करना है और उसी कांसेप्ट से सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रकार की एक आकृति है, इसका आपको मिरर बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए सभी लोग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखना है और बताना है किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों देखो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहले हमें पता है कि जो सर्कल है, सर्कल में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये जो लाइन है तो ये वाला कोना क्या है, मिरर के नजदीक है, तो ये वाला कोना ऐसे जाकर मिरर के नजदीक ही बनेगा। मैं आपको बता दूं तो ये वाला कोना कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे जाएगा और यहां पर एक बिंदु रहेगा और यहां पर एक बिंदु रहेगा, तो ऐसी लाइन किसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो किसमें है, डी वाले में, और यहां पर एक सर्कल बनता है तो सर्कल बना देंगे, तो हूबहू मैंने कहा था कि सर्कल में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये वाला कोना मिरर के नजदीक है, तो मिरर में भी ये वाला कोना इस साइड ऊपर की ओर नजदीक ही रहेगा, और ये किसमें था, मात्र इसमें था, तो डी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आपका क्या आया, डी वाला आया। कौन सा आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर डी वाला आया, और जिन बच्चों ने डी दिया है उनका यह आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एक प्रश्न में आपके सामने लाता जाऊंगा और आपको आंसर करते जाने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि यहां पर भी आपको मिरर बनाना है, तो बहुत ही आसान है। आसान का मतलब क्या है, पहले आपको यह देखना है कि एक सर्कल है, सर्कल में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यह जो आकृति मिरर के नजदीक है तो यह आकृति क्या करेगी, कुछ इस साइड आ जाएगी। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर यह इस साइड इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, तो डी में जाएगा, यह एरो दूर है तो एरो दूर तरफ चला जाएगा, तो सी वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का अगर आपने सी हिट किया है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी प्रश्न को आंसर देने के लिए। तो बहुत बढ़िया, आंसर आप सबके आना शुरू हो चुके हैं, चलिए वेरी गुड। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा सी वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर चार को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या बोला है, प्रश्न को एक बार ध्यान से पूछो कि पूछता किस रूप में है। यहां पर कह रहा कि नीचे दिए गए सभी उदाहरणों में से एक प्रश्न आकृति दी गई है, तो चलो ये प्रश्न आकृति हो गई। यह प्रश्न आकृति दर्पण में किस प्रकार दिखेगी, जब दर्पण एबी पर रखा हुआ है, दर्पण एबी पर रखा हुआ है, इसे उत्तर आकृति से चुनना है। तो आपको बताना है कि एबीसीडी में से क्या जाएगा, आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। तो दोस्तों देखो ये जो ये आपका जो आकृति बनी हुई है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसमें जब इसमें देखो चेंजेस कर दिया तो ये तो गलती हो गया। पहले आपको निकाल देना है, नॉर्मल तरीके से जो निकल सकते हैं ऑप्शन उनको निकालना है। और ये आकृति मिरर से दूर है, ध्यान से देखिएगा, ये आकृति मिरर से दूर है, तो भाई ये मिरर से दूर किधर चली, ये लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा, तो इसमें नीचे की ओर आ गया गलत है, इसमें नीचे की ओर आ गया गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो ये आकृति यहां पर है तो मिरर से थोड़ा सा दूर है, तो उस साइड मिरर के दूर चली जाएगी, तो ये हूबहू ये आकृति क्या करेगी, आपकी यहां पर बनेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये दूर है तो दूर लग जाएगा इस प्रकार से, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चौथे का जो आंसर होगा ए वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा।
ठीक है ना। तो चौथे का जो आंसर होगा ए वाला, और जिन बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले एसएससी जीडी की अगर हम सब बात करें तो एसएससी जीडी का जो बैच स्टडी 91 ने आप सबको प्रोवाइड किया है, आप सबको पता है कि इसके लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय मिलने वाला है। तो अगर आपके एसएससी जीडी की प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत बढ़िया, और बाकी यूट्यूब में हम लोग क्लास करवा रहे हैं। अगर आपको डिटेल से बैच को कंप्लीट करना है तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, मात्र आपको 699 रुपए पेड करने होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी उदाहरणों में से एक प्रश्न आकृति दी गई है, तो आपको इसका मिरर बताना है। तो ये आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबको जो है ध्यान से देखना है और बताना है। तो दोस्तों देखो, यहां पर अगर देखा जाए तो ये वर्ग है और वर्ग में कोई चेंजेज नहीं होगा। आपको पता है कि वर्ग में कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन ये ब्लैक वाली आकृति मिरर से क्या है, दूर है तो दूर बनेगी। तो देखो इसमें दूर बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान देना है, लेकिन बी वाले में दूर नहीं बनी हुई, इसमें भी दूर नहीं बनी हुई, इसमें भी दूर नहीं बनी हुई, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है पांचवें का आंसर, उनका सही होगा। और ये मिरर के नजदीक है तो ये वाली नजदीक ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का, उन सभी का आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए सभी लोग। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको दर्पण बताना है, तो दर्पण आपका MN रेखा पर रखा है, तो इसको आप ध्यान से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जल्दी से बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आप सबको बताना है। आपको यह ध्यान देना है कि ये वाला जो वर्ग है, ये वाला, ये मिरर के नजदीक है, तो मिरर के नजदीक इस साइड बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये बात तो सही है। अब इसके बाद ये मिरर के नजदीक है तो ये भी मिरर के नजदीक बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि छोटी वाली लाइन, देखो छोटा सा पॉइंट पकड़ना, ये जो छोटी वाली लाइन है ये वाली, तो मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ ही, इसमें मिरर की तरफ छोटी वाली लाइन नहीं तो उसको हटा दो, इसमें मिरर की तरफ नहीं हटा दो, इसमें मिरर की तरफ, इसमें दोनों लाइन बराबर हो गई तो ये भी गलत हो गया, तो कौन सा जाएगा, सी वाला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने 6वें का सी दिया होगा उनका आंसर सही होगा। बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बी कहां से होगा दोस्तों, भाई ये लाइन जब ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ही रहेगी, इसमें नीचे की ओर हो गई है, ये बात समझो ध्यान से। ये छोटी वाली लाइन मिरर की तरफ है तो छोटी वाली लाइन मिरर की तरफ ही होनी चाहिए थी, तो यहां पर देखो बड़ी वाली लाइन मिरर की तरफ हो गई है, इसलिए ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो गया, बचेगा क्या, सी वाला। और जिन बच्चों ने 6वें का सी वाला बताया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे और बढ़िया से इसको कर पा रहे होंगे। तो अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है सभी लोग, तो एक बार वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि हां सर ये बात समझ में आ रही, लाइक्स की संख्या को बढ़ाकर बताइए जल्दी से सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं आपके सामने लेकर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को MN पर रखा जाएगा तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहां पर लिखा है सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दीजिए सभी लोग। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर आप सबको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम सब बात करें तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो ध्यान से देखो भैया, मान लो मिरर ये इस साइड रखा हुआ है MN रेखा पर, तो इस बार ये ऐसे चेंज होगा, तो इसमें ये जो दूर है तो दूर बनेगा, नजदीक है तो ये लाइन जो होगी मिरर की तरफ होगी। देखो इस प्रकार से आपका एक सर्कल बनेगा, मैं बता दूं इसमें तो कोई, इसमें और इसमें टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मिरर में टॉप और बॉटम में चेंजेस नहीं होता, लेफ्ट और राइट में चेंजेस होता है। तो ये आकृति मिरर की तरफ है तो ये आकृति मिरर की तरफ ही जाएगी, मिरर से दूर है तो ये आकृति मिरर से दूर जाएगी। अब देखो ऐसा कौन सा डायग्राम है, तो हूबहू इस डायग्राम की बात करें तो किसमें जा रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये किसमें जा रहा है, इसमें है नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला ध्यान से देखें तो ये आकृति लाइन से इस साइड होनी चाहिए थी, ये लाइन से इस साइड है, इसमें है ही नहीं, तो गलत हो गया, बचेगा क्या, सी वाला, तो 8वें का सी वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का सी वाला बताया होगा उन सभी का आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आंसर आप सब देते चलो, और जितना तेजी से आप सब आंसर दोगे उतना तेजी से मैं एक नया प्रश्न आपके सामने लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सी इज आ राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप सबके सामने आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपकी मिरर इमेज है, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा। तो जल्दी से बताइए भैया कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सबको बताना है। तो दोस्तों देखो देखो ये वाला जो कोना है उठा हुआ है मिरर की तरफ, तो मिरर की तरफ ही उठा होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब आपको ए और डी में से कोई एक बताना है। तो दोस्तों अगर ये चेंज होगा तो ये जो आकृति ऊपर की ओर है ऊपर की ओर ही रहेगी, इसमें नीचे की ओर हो गई थी, गलत हो गया। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऊपर की ओर है, इसमें ऊपर की ओर जाएगा, इसमें नीचे हो गया, तो ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा ए वाला होगा, 9 का कौन सा होगा, ए वाला। और जिन बच्चों ने 9 का ए दिया है आंसर उनका सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आंसर आप सब दे रहे हैं, तो 9 का ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि स्टडी 91 ने आप सबके लिए यहां पर यूजीसी नेट का, जो बच्चे आपके संपर्क में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसका पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 आप सबको प्रोवाइड कर दिया है, और ये मात्र 999 रुपए में। और जो इससे स्टडी 91 के साथ जुड़ना चाहता होगा अपना जुड़कर पढ़ाई कर सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा, कह रहा है यहां पर एक मिरर दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है। तो भाई देखो ये ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता, नीचे आ गया हटा दो, क्योंकि मैंने आप सबको क्या बताया था कि मिरर इज इमेज में टॉप और बॉटम में चेंजेज नहीं होता है, लेफ्ट और राइट में चेंजेज होता है। टॉप में तो टॉप वाला टॉप में ही रहेगा, इसमें देखो क्या कर दिया बॉटम में, गलत हो गया, क्या कर दिया बॉटम में, गलत हो गया, दो तो गलत कर दिया हमने। अब बी और सी में से कोई एक होगा, इसके बारे में आप सोच के बता दो जल्दी से क्या होगा। दसवें का बी और सी में से कोई एक होगा, सोचकर बता दो आप सभी लोग क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो इसका जो होगा, तो ये आकृति मिरर के दूर है तो मिरर से दूर ही जाएगी, आपको ध्यान देना, तो ये से क्या करेगी पलट जाएगी, तो आपको बताना है कि ए जाएगा, बी जाएगा, ए सी जाएगा, तो ये मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ ही रहेगा, ये बी में जाएगा कि सी में जाएगा, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बहुत से बच्चों ने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने बी आंसर दिया है दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखना ये मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ थोड़ा सा दूर बनी हुई है, तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, सी, तो ये वाला क्या करेगा, गलत हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका ही सही होगा, बी वाले क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसको देखो ये बिल्कुल इससे क्या है, इस आकृति से अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल करीब है, तो ये वाली आकृति आपको ध्यान से देखना है। तो इस प्रकार से अगर जाएगा तो इसका जो सबसे करीब का आंसर होगा बी वाला, तो छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान से देखना होगा तभी प्रश्न का आंसर हमें क्या करेगा मिल पाएगा, ठीक है ना भाई। आप इसमें ध्यान से देखो ये जो लाइन्स है ना ये हॉरिजेंटल है, ये लाइन्स क्या है, हॉरिजेंटल है, और इसमें देखो इसमें क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन कर दिया है, तो भाई हॉरिजेंटल लाइन है तो हॉरिजेंटल लाइन ही तो जाएगा, ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो आप सभी लोग, ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो आप सभी लोग, छोटे छोटे पॉइंट है भाई, इसमें क्या है, इसमें जाए हॉरिजेंटल लाइन से और इसमें वर्टिकल कर दिया, तो वर्टिकल कैसे होगा भाई, हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल में ही तो कन्वर्ट होगा, तो कैसे आप लोग बी बता रहे हैं, कैसे आप लोग बी बता रहे हैं, तो बी तो गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। छोटी सी फॉल्टिंग है और एक नंबर गया, छोटी सी फॉल्टिंग में एक नंबर गया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप सबके सामने प्रश्न रखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं आप सभी के आंसर देख पा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसका आपको आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही हो जाएगा। दोस्तों देखो ये लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा, अगर ये ऐसे है तो ये इसका मुख इस साइड है तो इस साइड जाएगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये बीच में आ नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, बचेगा क्या ये। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये जो तीनों लाइनें हैं ये इस साइड चली जाएंगी, यहां पर इस प्रकार से ये लाइन इस साइड आएगी, तो इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जिन बच्चों ने ए बताया है उनका आंसर क्या करेगा, सही होगा। कोई एक पॉइंट को पकड़िए और जितने ऑप्शन निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, अगर दो निकलते हैं तब भी ठीक है, एक निकलता है तब भी ठीक है, तीन निकलते हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर
11 का जो आंसर आएगा क्या जाएगा, ए वाला, और जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सबको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। करा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाएगा तो करा कौन सी आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से रखा, इसको चेंज करेंगे, तो जब इसको चेंज करोगे दोस्तों तो देखो ए में, ए टॉप में है तो ए टॉप में ही रहेगा और ए में कोई चेंजेज नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को। डाइस बना हुआ है तो डाइस में तो कोई चेंजेज हो ना नहीं है, ये बात तो समझ रहे हैं। ए टॉप में है तो ए टॉप में ही रहेगा, क्लियर। लेकिन सी बी क्या है, बी राइट में है तो बी चेंज होगा, तो बी राइट में है तो बी क्या करेगा, मिरर की तरफ है तो बी मिरर की तरफ ही आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा। बहुत से बच्चों ने ए बताया है, बहुत से बच्चों ने ए बताया है, तो दोस्तों देखो सी दूर है तो सी दूर की तरफ जाएगा, तो यहां पर बी नजदीक हो गया तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहां पर कौन सा जाएगा, ए वाला। और जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर क्या करेगा, सही जाए, क्योंकि सी दूर है तो सी दूर चला जाएगा, बी नजदीक है तो बी नजदीक आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका ए वाला आंसर सही होगा, और जिन बच्चों ने ए बताया है उनका नंबर पूरा, ठीक है ना। आइए चलते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इस प्रकार से एक दर्पण रखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है और बताना है। तो ये जो बिंदु है मिरर से दूर है तो दूर चले जाएंगे, अब कैसे किस रूप में दूर जाएंगे आपको चेक करके बताना है। तो इसमें भी देखो गलत तरीका है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, भाई ये दूर है तो ये दूर ही रहेंगे, तो सी तो हो नहीं सकता, सी को निकाल दो। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि इन बिंदुओं में से ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर, देखो इसमें लाइंस क्या हॉरिजॉन्टल है, इसमें क्या हो गया डायवर्टिकल हो गया, तो ये भी क्या होगा गलत। लाइंस देखो, इसकी लाइंस हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या हो गया वर्टिकल हो गया, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब ए और बी में से आपको सोच के बताना है किसका सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ भैया सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसको अगर देखा जाए जब ये कन्वर्ट होगा तो इसकी जो रेखा जो बिंदु है तो इस बिंदु में ये जो बिंदु है कुछ इस प्रकार से जाएंगे, तो ए वाला गलत होगा, बी वाला सही होगा, और जिन बच्चों ने बी वाला बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर मेरा नाम ले लीजिए, तुम्हारा नाम दिखेगा बेटा तब तो ले लेंगे, तो उसको सही से लिख के लाओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम सब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 से पहले यहां पर देखिए टॉप 15 मॉक टेस्ट जो वीडियो और एग्जाम 2018 का होने वाला है आप सबका, उसके टॉप 15 मॉक टेस्ट स्टडी 91 ने आप सबको क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप वीडियो के एग्जाम में बैठने वाले अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आप यहां पर आ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए सभी लोग और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, मैं वेट करता हूं आप सबका। जितना तेजी से आंसर दोगे ना उतना ही तेजी से क्वेश्चन आपके सामने आएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराकर एक घंटे में निकल जाऊंगा, जिससे आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। बताइए जल्दी से, यहां पर एन बनाए और एन का दर्पण बनाना है, जल्दी से बताओ भैया। मेरा भी नाम ले लीजिए सर। अगर ऑफलाइन क्लास में होते ना सामने अगर कोई बोलता कि सर मेरा नाम ले लीजिए तो मुर्गी बना देता, मैं सही बता रहा हूं। तुम लोग दिमाग खराब कर देते हो, नाम लेके ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाओगे, नौकरी लो और फिर आओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम सब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर दोस्तों हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो N को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आकृति N का कैसा नजर आएगा, तो N क्या करेगा चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी 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 एक तरफ से बच्चे बता रहे हैं, और इसका आंसर क्या होगा सी वाला, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने इसका प्रश्न का सी वाला बताया होगा उन सभी का आंसर क्या करेगा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सब लोग बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। जल्दी से बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
दोस्तों यहाँ पर ये आकृति है हमारे सामने, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। कुछ इस प्रकार से, भाई ये कोना मिरर की तरफ है तो ये क्या करेगा, मिरर की तरफ ही आएगा, लेकिन इसकी आकृति को ध्यान से देखना पड़ेगा। भाई ये कोना मिरर की तरफ है तो इसमें देखो मिरर की तरफ है नहीं, तो बी तो हटा दो। अब आपको ध्यान से देखना है कि ए सी डी में से क्या सही हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आंसर आप सबको जरूर मिलेगा। देखो इसमें लाइन्स कुछ इस प्रकार से है तो लाइन्स का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें लाइन्स कुछ इस प्रकार से, तो बताइए कि ए बी सी डी में से आंसर क्या जाएगा। तो देखो दोस्तों इसमें देखो एक क्रॉस है, इसमें कंप्लीट वर्ग नहीं है, तो इसमें कंप्लीट वर्ग किया है, इसमें कंप्लीट वर्ग किया है, ये जो वर्ग का तरीका है इसमें भी गलत है, तो कौन सा जाएगा, ए वाला। इसको अगर ध्यान से देखिए, जब ये कन्वर्ट होगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होगी। ये वाली बीच वाली जो सफेद सफेद है इसमें बाकी देखो गलत तरीके से बना हुआ है नहीं, तो कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा। और जब मुर्गी जब आपका जो है ए वाला सही होगा, जब आकृति को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों ने एक तरफ से दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ए वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी लोग आ जाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में तो कोई चेंजेज होगा नहीं, लेकिन इसमें चेंजेज होगा, बस इसी से आइडिया लगा लो आप। जो ये आकृति क्या है, जो इस प्रकार के मिरर के दूर है तो मिरर के दूर बना देना है, आंसर मिल जाएगा। ये आकृति क्या है, मिरर के नजदीक हो नहीं सकता, ये आकृति क्या मिरर के दूर है। अब इसमें देखो ये गोलाकार है तो इसमें कंप्लीट गोलाकार दिया, पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान से देखो। अब इसमें देखना है कि ए में और सी में क्या जाएगा, तो भाई ये जो आकृति है, बताओ ये जो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज अधूरा बना है, क्या ये उल्टा हो पाएगा, इसमें क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने कहा था किसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हूबहू ये ऐसा बना हुआ है, और कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 का ए बताया होगा उनका आंसर क्या करेगा, तो एक एक पॉइंट को पकड़ो, पूरे डायग्राम को एक साथ कभी मत चेक करो, और अगर आपने पूरे डायग्राम को एक साथ चेक किया ना तो कंफ्यूजन होगा और सही आंसर नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ भी पाओगे तो समय ज्यादा लगा दोगे। कोई एक पॉइंट को पकड़ो, सारे चेक कर लो, एक पॉइंट से जितने आंसर निकल, जितने ऑप्शन गलत हो रहे हैं काट दो, उसके बाद चेक करो, अगर पूरा कंप्लीट मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं मिलता तो दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा जाएगा, ए वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने, तो यहां 12 लिखा है, तो 12 लिखा है तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया ये तो चेंज होगा, ए क्या है, मिरर से दूर है, एक क्या है, मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर जाएगा, लेकिन ये कोना किधर है, लेफ्ट में, तो राइट में जाएगा, और डू क्या करेगा, बदल जाएगा। बताओ ए बी सी डी में से क्या सही होगा। ये क्या है, मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर इस साइड चला जाएगा, तो इसमें इस साइड है, इस वाले को ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है काला वाला, ये मिरर से दूर है, तो भाई ये मिरर से दूर इस जाएगा ना, इसमें तो इधर ही आ गया, भाई स्टार तो चेंज हो नहीं सकता, स्टार यहां ऊपर उठा कर रख दिया, ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये बीच में चला गया, ये भी गलत हो गया, बचेगा क्या सी वाला, क्योंकि ये पॉइंट इधर जाएगा तो यहां पर बना हुआ है, ठीक है, स्टार इधर है तो स्टार इस साइड आएगा, ठीक है, वन इधर है तो वन इस साइड चला गया, ठीक है, टू क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो सी वाला सही होगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी दिया होगा उन सबका आंसर सही, ठीक है ना, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उन सबका आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा सी वाला, और मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों ने सी दिया है, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने डी दे दिया है, कुछ बच्चों ने जो है बी भी दे दिया है, तो मुझे मैं देख पा रहा हूं जो बी दिए हैं डी दिए, नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन मैंने देख लिया, आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलने से पहले आप सब यहां पर एक बात देखिएगा कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें से आपको प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का और आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं, कौन कौन से, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न के। आगे आ जाए सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी की आपकी किताब है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इसके बाद आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और इसके बाद साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नोट्स यूट्यूब पर आपकी अलोबेल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए और बताइए किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, सर मेरा 17 क्वेश्चंस पूरा सही है। चलिए बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रीति सिंह बोल रही है कि सर मेरा 17 सही है, बहुत बढ़िया प्रीति, और मैं आशा करता हूं कि ज्यादातर बच्चों का सही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत आराम से और एक एक क्वेश्चन को लेकर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी भी एक तरफ से आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत
चलिए, तो ये हमने देखा, तो ये जो आकृति है ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, मिरर से दूर है तो उत्सर्ग दूर चला जाएगा। तो देखो यहां पर ये तो गलत हो गया भाई, ये दोनों गलत हो गए, ये तीनों गलत हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ये त्रिभुज उठकर चेंज होगा और सीधा सीधा बी की तरह दिखने लगेगा, तो 18 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो 18 का जो आंसर आएगा बी वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। करा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको बताना है कि यहां पर इस प्रकार के एक आकृति, मैंने क्या कहा कि ये जो आपको बताना है कि इसका मिरर क्या होगा, और ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक बताया था कि इसको, इस एरो को देखो, जब ये एरो ऊपर की ओर है तो ये एरो कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे जाएगा कि ये एरो ऐसा आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो कहां जाएगा, डी वाले में, और ये मिरर की तरफ है, ये मिरर की तरफ है ये एरो, तो ये एरो क्या करेगा, मिरर की तरफ ही कुछ इस प्रकार से जाएगा, और ऐसा डायग्राम कहां है, सिर्फ सी वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा सी वाला होगा, और 19 का अगर आपने सी आंसर दिया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, 19 का बी बच्चे दे रहे हैं, बी कहां से आएगा भाई, बी नहीं आ सकता क्योंकि मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ ये ऊपर की ओर कैसे चला जाएगा, आप जब इसको चेंज करोगे पलटोगे तो कुछ इस प्रकार से पलटेगा ना, ये ऊपर कैसे चला जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, ये ऊपर कैसे चला जाएगा, टॉप और बॉटम तो कभी चेंज ही नहीं होता है, लेफ्ट और राइट में चेंज होता है मिरर में, ये बात याद रख लो कि टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, ये नहीं कि छोटे छोटे प्रश्न गलत करके चलाए आए और सारी की सारी मेहनत खराब हो जाए, मेरा सही है। चलिए बहुत बढ़िया रुचि, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ये आपका आकृति है, इसको बताइए, बढ़िया बहुत बढ़िया डायग्राम है, और ये आकृति मिरर के क्या है, दूर है तो दूर बनेगी, तो किसमें बनेगा, ए बी सी डी में से किसमें जाएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट करके बता दो सभी लोग, और अगर क्वेश्चन बन रहे हैं समझ में आ रहा है तो एक बार कम से कम लाइक्स की संख्या को भी बढ़ा दो, किसकी संख्या को, लाइक्स की संख्या को भी बढ़ा दो, और इस प्रश्न का आंसर भी सही सही दे दो, दो काम करना है इस बार, जिन बच्चों ने लाइक्स की संख्या को नहीं बढ़ाया उनको लाइक्स की संख्या को बढ़ाना है, और जिन बच्चों आंसर सभी को देना है, आंसर सभी को देना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा ये आप सबको बताना है, तो जल्दी से बता दो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सी 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 सी, वेरी गुड। दोस्तों देखो ये आकृति क्या है, मिरर की दूर है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे जाएगा और यहां पर एक सर्कल बनेगा, दूर है तो दूरी बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, इसके बाद ये पॉइंट बनेगा, और जब ये मिरर के नजदीक है तो क्या करेगा, मिरर के नजदीक जाएगा, और ऐसी आकृति है, तो भाई देखो इसमें तो गलत है, एरो ऊपर कर दिया गलत है, ये पॉइंट ऊपर कर दिया गलत है, तो किसमें, सी वाले में, और सी वाला हुबहू बन रहा है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं थी, आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 20, और 20 का आंसर सी वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ढेर सारे प्रश्न लेकर आया हूं, जल्दी जल्दी प्रश्न को करते चलो और आंसर निकालते चलिए। ये बन गया 6, अब ये बताओ 6 की अगर बात करेगा तो 6 का क्या होगा, लेफ्ट जो राइट, जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम तो चेंज नहीं होगा ना, इसने तो टॉप और बॉटम ही चेंज कर दिया, इसको इसने क्या किया, टॉप और बॉटम ही चेंज कर दिया, ये क्या करेगा, पलट जाएगा, तो जब ये पलटेगा तो कुछ इस प्रकार से पलटेगा, आपको बताना है। दोस्तों देखो ये लाइन से क्या है, यहां पर वर्टिकल लाइन से, और यहां पर वर्टिकल लाइन नहीं किया तो ये भी गलत हो गया, यहां पर देखो वर्टिकल लाइन कर दिया ये वाली, ये वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या लाइंस वर्टिकल हैं और इसमें लाइंस क्या किया, हॉरिजॉन्टल, तो ये गलत हो जाएगा, तो लाइंस इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला अगर आपने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहां पर एक घर है, घर के ऊपर तिरंगा लगा है और एक खजूर का पेड़ है, किसका पेड़ है, खजूर का पेड़ है, तो बताओ दो भाई इसमें क्या जाएगा, तो तिरंगा क्या करेगा, देखो जो मकान है मकान में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन तिरंगा जो बना है ना, जो क्या है, राइट में, वो किधर चलाएगा, लेफ्ट में, तो बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बता दो कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न आप सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो चुका हूं, आप सबको उसको देख के बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का आप सबके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ दोस्तों ए बी सी डी में से क्या जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों पहले ध्यान देखो, जो खजूर दूर है तो खजूर ये इस साइड झुका है तो उस साइड झुकेगा, ये बात ध्यान देना है। जो फ्लैग है इस साइड, ये इस साइड आएगा, तो यहां पर कौन सा जाएगा भाई, इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो देखो जो मकान का फ्लैग इस साइड है
तो ये तो गलत हो गया। बीओडी में क्योंकि फ्लैग चेंज होगा, फ्लैग इस साइड आएगा, अब आपको क्या करना है, बाकी तो सब सही है। लेकिन दोस्तों जो खजूर है ना, देखो खजूर थोड़ा सा इस साइड क्या है, झुका हुआ है, तो क्या करेगा उस साइड झुक जाएगा। और इसमें से आपको देखना है कि ए और बी में से आपको देखना है, तो इसमें देखो खजूर इसी साइड झुका हुआ है, तो गलत हो गया, इसमें उस साइड झुक गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगर 22 का आपने ऑप्शन नंबर ए हिट कराया है, 22 का अगर आपने ए हिट कराया है, तो प्रश्न आपका सही होगा। और इसके सिवा अगर आपने हिट कराया है, तो प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि हमको छोटे छोटे पॉइंट चेक करने पड़ते हैं, लेकिन एक एक स्टेप को पकड़िए। जैसे पहले हमने क्या किया, फ्लैग को पकड़ा, फ्लैग से हमने दो ऑप्शन निकाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, भाई हमको पता था कि इसमें कोई चेंजेज होगा नहीं, तो हमने खजूर के पेड़ को पकड़ा, उससे हमको पता चल गया कि इन दोनों में कौन बेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बेस्ट था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहां पर MN पर एक रखा हुआ है, एरो जो बना हुआ है इसमें कोई चेंजेज होगा नहीं, तो एरो ऊपर है तो ऊपर की ओर होगा, इसमें नीचे की ओर कर दिया, हटा दिया, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया, बचा क्या, ये क्या है, ये मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर ये वाला चला जाएगा, ये मिरर के नजदीक है, तो ये वाला मिरर के नजदीक आ जाएगा, तो नजदीक आ गया, तो भाई बी वाला सही हो गया। 23 का बी वाला, अगर आपने 23 का बी आंसर दिया है, तो आपका प्रश्न क्या करेगा, 100% सही हो जाएगा। 23 का बी वाला, अगर आपने 23 का बी ऑप्शन हिट किया है, तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, कुछ करना था क्या, नहीं करना था, छोटा सा प्रश्न था। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, डरते हैं, नॉन वर्बल की रीजनिंग से डरते हैं, और ये प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि विद इन सेकंड में, बताओ भाई विद इन सेकंड में, ना पेन चलाना, ना कैलकुलेशन करना, ना कुछ करना, कॉमन सेंस यूज करना, 10 सेकंड में आंसर क्लिक किया, आगे बढ़े, फ्री का नंबर है। लेकिन कब फ्री का नंबर है, जब आप इस पर काम करोगे। अगर रूम से आप बैठकर काम करके जाओगे, कम से कम आप 200-200 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, तो दिमाग की नसें खुल जाएंगी, काम करने लगेगा और नंबर एक पूरा लेकर आओगे, ऐसा मेरा वादा है। लेकिन काम करना पड़ेगा, कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। किसी भी सेक्टर में जाएंगे, चाहे आप पढ़ाई करें तब भी स्ट्रगल है, कोई बिजनेस करोगे तब भी स्ट्रगल है, या अदर कार्य करोगे तब भी स्ट्रगल है। कोई भी एम्पायर बनाना आसान काम नहीं है, पहले मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे को देखकर लगता है कि यार वो बहुत चीजें अच्छी कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके लिए उसने कितना मेहनत किया उसको कोई पता नहीं। कोई चीज किसी का स्ट्रगल नहीं जानता। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखो आपने पिकासो का नाम सुना होगा, पिकासो का नाम सुना होगा, पिकासो एक बहुत बड़े चित्रकार थे। कई बार जीएस से पूछता है कि पिकासो कौन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिकासो क्या थे, एक बहुत बड़े चित्रकार थे। उनके पास एक महिला गई अपना चित्र बनवाने, अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा कि मेरा चित्र बना दीजिए। पिकासो ने क्या किया, उस महिला का, उस बच्चे का गोद में बढ़िया से चित्र बनाकर सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में दे दिया। और जब इसके बाद पूछा गया, महिला ने कहा कितने पैसे देना है, उन्होंने कहा 5,000 रुपया दे दीजिए। तो महिला ने कहा कि बताइए आपने सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का 7,000 रुपया मांग रहे हो, कैसे उचित है। तो पता है पिकासो ने क्या जवाब दिया कि मैम आपने मेरा जो है 7 मिनट देखा है, लेकिन इस 7 मिनट के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा जीवन संघर्ष किया है, इसलिए मैं 7 मिनट में यह बनाकर आपको दे पा रहा हूं। तो आपका पुराना इतिहास कोई नहीं देख पाता, आपकी सफलता सब देखना चाहते हैं। तो अगर सफल हो गए तो पहले स्ट्रगल करोगे तब वहां तक पहुंचोगे, समझे मेरी बात को। तो इसलिए किसी का संघर्ष नहीं दिखता, आपका संघर्ष कोई नहीं देखेगा, आपकी सफलता सब देखना चाहते हैं। तो संघर्ष हमारा है, वो अपना ही रहने दीजिए, किसी को दिखाने या बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में चलने से पहले यहां पर हम सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी की जो किताब है, तो हिंदी की जो किताब है यहां पर देख पा रहे होंगे, तो नितिन सर के द्वारा जो हिंदी किताब आप सबको प्रोवाइड की गई है, तो ये हिंदी किताब आप सबके सामने जो है बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है, जो बच्चे अगर आप हिंदी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको जो बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आज का सेशन यहां से आपका समाप्त हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अभी देखो ये आपका जो मिरर इमेज अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और क्वेश्चन लेकर आने थे। तो चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूं, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जो है सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और इस समय फैला है डेंगू, डेंगू से बच कर रहिए, मच्छरों से बच कर रहिए, अगर एक मच्छर काट लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बच कर रहिए सभी लोग, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरा फिर से एक बार गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, मैं आपको
इतना बता देता हूं, इतना करके जाएंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और बाकी क्लास तो हमारी समाप्त हो ही चुकी है। तो थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।